हेलो एंड वेलकम टू एकेडी स्टडी जोन। इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर नंबर सेकंड, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ये सारे जो हैं प्रीवियस ईयर पेपर हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो इसका फर्स्ट है सेक्शन ए का, वो देखते हैं क्या है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग: फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, इंस्ट्रक्शंस इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यक की शिक्षा में से संबंधित संवैधानिक उपचार, फैक्टर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव के कारक, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यहाँ पर आपके पास है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिड डे मील के उद्देश्य, रोल ऑफ कल्चर इन एजुकेशन, शिक्षा में संस्कृति की भूमिका, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन डेवलपमेंट, शैक्षिक विकास में समुदाय की सहभागिता। सेक्शन टू है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन, स्टेट ब्रीफली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। भारत में शिक्षा संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर संक्षिप्त वर्णन करें। 16 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन है और करके इसमें है। शुड एजुकेशन बी द कंकरेंट लिस्ट, इन द कंकरेंट लिस्ट, इफ़ सो व्हाई, इफ नॉट व्हाई नॉट। क्या शिक्षा को समवर्ती सूची में होना चाहिए, यदि हाँ तो क्यों, यदि ना तो क्यों नहीं। 16 मार्क्स का आपके पास ऑप्शन में है। अब सेक्शन सी देखते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इक्वलिटी इन एजुकेशन, व्हाट आर द वेज एंड मीन्स फॉर अचीविंग इक्वलिटी इन एजुकेशन। शिक्षा में समानता के अर्थ की व्याख्या कीजिए, शिक्षा में समानता प्राप्त करने के कौन कौन से साधन हैं। तो इसमें और करके हमारे पास है, डिस्कस राइट टू एजुकेशन एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, शिक्षा के अधिकार और इसके शैक्षिक निहितार्थों की चर्चा कीजिए। 16 मार्क्स का ये भी आपके पास क्वेश्चन रहेगा। अब देखते हैं सेक्शन फोर हमारे पास क्या है। मेक अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ऑन एजुकेशन 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिए। अब इसमें देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट हमारे पास जो इसका बी पार्ट है, डिस्कस द रोल ऑफ सर्व शिक्षा अभियान इन स्ट्रेंथनिंग एलिमेंट्री एजुकेशन। सर्व शिक्षा अभियान की प्राथमिक शिक्षा को मजबूत बनाने में भूमिका की चर्चा कीजिए। ये भी 16 मार्क्स का आपके पास रहेगा, ऑप्शन में रहेगा। सेक्शन फिफ्थ हमारे पास है, एक्सप्लेन द टर्म एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड रीजनरेशन। वातावरण संरक्षण शब्द की व्याख्या कीजिए, वातावरण संरक्षण और नवजीवन के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। और करके इसमें हमारे पास है, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन मीटिंग चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। विश्वीकरण और निजीकरण की चुनौतियों का सामना करने में शिक्षा की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो ये था हमारे पास कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का जो हमारे पास सेकंड पेपर है, उसका प्रीवियस ईयर पेपर था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।